हाय गाइस, सो हलीम हो, कोरमा हो, बिरयानी हो या खमीरी रोटी हो, हम सभी को मुगलई खाना बहुत पसंद है। बट दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि वो खाने के लिए हमको ओल्ड दिल्ली जाना पड़ता है, जहाँ की ना तो पार्किंग का स्पेस है और जैम्स वगैरह बहुत है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा नई दिल्ली में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जहाँ पार्किंग होगी और बिल्कुल पोश जगह पे हम मुगलई खाना खाएंगे और वो होगा किचन से करीम के। सो आई एम गोइंग टू टेक यू इन न्यू दिल्ली, द बेस्ट जॉइंट फॉर मुगलई फूड टुडे। अभी मैं लोधी गार्डन में खड़ा हूँ एंड इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू लोधी गार्डन, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ दिल्ली है, वहाँ पर यह जगह स्थित है। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ लोधी गार्डन और ये लोधी रेस्टोरेंट है। दिस यूज टू बी पोश रेस्टोरेंट इन लोधी गार्डन और अब देखिए इसका हाल क्या है। ये लॉकडाउन के कारण जो बेरोजगार हुआ है, बेरोजगारी जो फैली है, उसका असर है। देखो इतना पोश रेस्टोरेंट और ये हाल हो गया इसका। ये देखो तो गाइस, ये देखो नेक्स्ट बिल्डिंग है इंडिया इस्लामिक सेंटर की। तो यह फ्रंट साइड इंडिया इस्लामिक सेंटर, इसके पीछे रेस्टोरेंट का रास्ता है जहाँ की हम जाएंगे। अगर रोड से आएंगे तो ये WWF का आपको साइन दिखाई देगा, इसी गली में आपको मुड़ना है। इस्लामिक सेंटर के हम पीछे पहुंच चुके हैं और ये सामने एंट्री है रेस्टोरेंट के। सो गाइज, ये है इस्लामिक सेंटर के अंदर का वेरी वेरी कूल एम्बियंस और ये है रेस्टोरेंट की एंट्री और ये सिटिंग आप देख सकते हैं। भाईजान एक मुर्ग का शोरबा दे देंगे ना, चार जी, उसके बाद मटन सीख कबाब है ना और एक शमी कबाब, एक प्लेट और शमी कबाब एक प्लेट और फिश का एक फ्राइड होता है, फ्राइड आइटम है। सो गाइज, दीज आर देयर स्पेशलिटीज़, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, मटन तंदूरी रान। ये तंदूरी रान के लिए तो पहले कहना पड़ता है, बहुत बड़ा होता है मामला। सो द डिशेज लाइक मटन हलीम, मुर्ग मुसल्लम, क्रिस्पी फ्राइड फिश, जहांगीरी मुर्ग, फिरदौसी कौरमा, जहांगीरी कौरमा, सब्जी गोश्त। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, 8 नंबर पे मटन तंदूरी रान है 1850 रुपये की, जो कि आप अगर आप 3-4 लोग हैं तो बड़े अच्छे से खा सकते हैं। और तंदूरी बकरा है, पूरे का पूरा बकरा, ये 24 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ता है, 12000 का है। कम से कम 6 लोगों या 8 लोगों के लिए एनफ है ये। सो दिस इज़ देयर ग्रेट मेन्यू। सो अब ये मटन सीख कबाब आ गए, बिल्कुल नरम। ये शमी कबाब आ गए और एक क्रिस्पी फिश फ्राई आ गई है। सो लेट्स डिग इन। डिलीशियस और नरम ये सीख कबाब है। दिस इज शम्मी कबाब। It's excellent, very very fresh. एक हलीम, एक कीमा नान और दो रोटी दे दीजिएगा। सो हलीम has come। तो गेहूं के साथ ओवरनाइट टिल दिस मटन टर्न्स इनटू जेलेटिन, टिल देन इट इज कुक्ड। एंड दीज आर दिस एडिशंस दैट आर गिवन। इसमें मिर्च है, ये फ्राइड ऑनियन है, ये अदरक है एंड ये स्पेशल ये खमीरी रोटी है।
एंड दिस इज देयर कीमा नान। तो गाइस ये लास्ट में हमने फिरनी मंगा लिया एज ए डेजर्ट, तो फिरनी तो आपको मालूम है मस्ट ट्राई है। सो गाइस इतने खाने का है, 2500 रुपए तक का बिल आया है, विच आई थिंक इज वेरी वेरी रीजनेबल एंड वी एंजॉयड द फूड लाइक एनीथिंग। सो चार लोगों का ये बिल आया है, दिस वॉज फॉर फोर पीपल। तो गाइस ये करीम्स IIC कहलाता है, तो सारा खाना बहुत ही बढ़िया था, दिस इज़ द रिव्यू एंड इट इज़ वंडरफुल एंड एवरी टाइम इट अमेजेस मी। मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ और खाना बहुत ही बढ़िया है, एम्बियंस बहुत बढ़िया है एंड फैमिली एम्बियंस है, अनलाइक ओल्ड दिल्ली, क्योंकि ओल्ड दिल्ली में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं यू कैन नॉट गो विद द फैमिली, सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज़। सो यहाँ पे थोड़ा यू नो यू आर इन ए वेरी वेरी काम मैनर, यू कैन यू नो सेव अ गुड डेलिकेसीज, गुड मुगल डेलिकेसीज, सो दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। So it was wonderful food and it is highly recommended. I hope you like the vlog and keep watching guys for such good recommendations and do subscribe to the channel.